जमानत पर बाहर आ गए हैं, और जिसके बाद भूपेश बघेल का कहना है कि बिजवी पहले सीडी बनवाती है, फिर बटवाती है, और फिर इसमें बेवजह एक पत्रकार को फंसाती है। साथ ही पुलिस चंद घंटों में एक पत्रकार को गिरफ्तार भी करती है। इस दौरान भूपेश ने सीबीआई पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन्होंने सीडी बनवाई, जिन्होंने दिखाया, उनसे क्यों पूछताछ नहीं कर रही है सीबीआई। इतना ही नहीं, भूपेश का मानना है कि ये एक बड़ा राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र है, और जिसमें अधिकारी और मंत्री दोनों ही शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के नेता सीडी बनवाते हैं, फिर भयावहन करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। भाजपा के नेता झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। भाजपा के सरकार के पुलिस एक निरपराध पत्रकार को जेल में 2 महीने रखते हैं। मंत्री रमन सिंह जी और उनके कार्यालय के अधिकारी सीडी के पूरे कारोबार में संलिप्त रहे हैं, और यह बात हम अदालत में सिद्ध कर देंगे। तो इसी मुद्दे पर और भी बेबाकी से चर्चा के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी, देखिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों पॉलिटिक्स में सिर्फ सीडी की चर्चा है, लेकिन सीडी का मुद्दा काफी ऑन हो चुका है, और ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, उन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं चर्चा कर रही है। और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे तमाम मेहमान मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो में, डॉक्टर संगीता उनसे शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षाविद हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से मौजूद हैं यहाँ से उमेश घोरमड़े जी मौजूद हैं, बीजेपी से डॉक्टर हसमुख मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डी के सभाजी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का हम यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे, और सबसे पहले हम चलते हैं उमेश जी के पास। उमेश जी, सीढ़ी सीढ़ी काफी हो गया, लेकिन जो मुद्दों की बात होनी चाहिए, आपको लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह से जिन मुद्दों पर विपक्ष को आना चाहिए था, चाहे सत्ता पक्ष को उन मुद्दों का जवाब देना चाहिए था, वो मुद्दे अभी हैं? देखिए, सीडी का घृणित खेल कौन खेल रहा है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भली भांति समझती है, और वही बात भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 15 वर्षों लगातार विकास के कार्य कर रही है। एक तरफ जहां विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है प्रमुख मुद्दों को उठाने की और तमाम तरह की, वे आज सीधी सीधी खेलने में मजबूर है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के संवेदनशील मुखिया मुख्यमंत्री जी विकास यात्रा के माध्यम से जनजन तक सरकार की योजनाओं को जनता तक लेके जा रहे हैं, और जनता की भावना के अनुरूप विकास को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के तहत नवा छत्तीसगढ़ के माध्यम से एक आने वाले समय का नवा छत्तीसगढ़ के भी बात करेंगे हम। देखिए, जो मुद्दे थे, मुझे लगा वो मुद्दे गौर होते जा रहे हैं। डीके शर्मा जी के पास चलेंगे। डीके शर्मा जी, अहम मुद्दा है रोजगार। रोजगार को लेकर जो स्थिति है आप भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि रोजगार को लेकर बातचीत हो रही है, या रोजगार पर सही दिशा में राजनीतिक पार्टियां बात करती नजर आ रही है? यही है कि मुझे लग रहा है कि पार्टियां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, दिशा और दशा से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अगर ये चुनाव में रोजगार की बातें करें, युवाओं को रोजगार कैसे दिलाया जाए, उसके बहुत सारे इनके पास मुद्दे हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे उद्योग हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते थे, और वो उद्योग बंद हो गए, वो लोग बाहर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, उस मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे। युवाओं के बीच में जाए, रोजगार की बात करें, उद्योग को हम कैसे चालू करें। कई उद्योग है जिनके बिजली बिल बकाया 7-8 लाख रुपए, उसका मध्यस्थता करे सरकार, उसको चालू कराए। कई लोगों को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, उस रॉ मटेरियल्स को कैसे लाया जाए, उस उद्योग को कैसे चालू कराया जाए, तो इस रोजगार को बात करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आम जनता है उनके तरफ उनका ध्यान जाएगा। आपसी मुद्दों को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष ये आपस में भिड़ रहे हैं, आम जनता सिर्फ तमाशा देख रही है, और हंसी और माहौल का बात हो रहा है। कोई मुद्दे पर बात होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। मेरा ये बात ठीक है। डॉक्टर हसमुख, आपने केयर भी कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य में जिस तरह से काम होना चाहिए, क्या लगता है कि एन चुनाव के वक्त में स्वास्थ्य के वो कौन से बिंदु होते हैं जो छूटते जाते हैं? बहुत समझे तक बात की जाएगी। स्वास्थ्य
तो हर पहलू में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी पहलू को हम लाइटली नहीं ले सकते। मेन है कि अभी हमारे जो नए हॉस्पिटल चालू होने जा रहा है उसके ऊपर फोकस कर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उन्हें मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसकी शुरुआत हो रही है और वो आगे जाके हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल साबित हो सकता है। ऐसी ही और भी योजनाएं लागू होने जरूरी थी। इसका घोषणा में चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में उनका फायदा उठाया जा सकता है। नहीं, मुद्दे जब आते हैं तो क्या होता है कि उनसे मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है। अगर मुद्दे गौण हो गए घोषणा पत्र जो पार्टियां की होती है कहीं ना कहीं उससे जनता को जुड़ाव नहीं होगा। तो स्वास्थ्य में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो दोनों पार्टियों को काफी प्रमुखता से देखने की जरूरत है? डॉक्टरों का गांव की तरफ उद्देश्य हो, इन दिशा में सरकार को उचित कदम उठाने होंगे ताकि डॉक्टर वहां जा सकें, ताकि उनको बॉन्ड भरना पड़े। बॉन्ड भरना एक मुझे लगता है कि सांप्रदायिक टाइप का ऑर्डर है। बच्चे जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं वो गांव में जहां सुविधा नहीं है उनके पास, वो वहां जाके तीन चार अपना व्यस्त दवाई उससे अच्छा है कि कुछ टाइप का वहां पर सुविधा उपलब्ध करा दी जाए जिससे डॉक्टर खुद मांगे उसकी कोशिश वहां। लेकिन एक स्थिति में यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया जाता है, डॉक्टरों की कमी होती है और अभी हाल में जो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है आयुष्मान और जो पुराना स्मार्ट कार्ड था, दोनों के बीच में जब लागू करने की कोशिश हुई तो पुराना स्मार्ट कार्ड एकाएक बंद किया गया, बहुत लोगों को यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ी और आयुष्मान में इलाज करने से कई डॉक्टर अब मना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी अब स्थिति क्यों? सरकार की पूरा जो भी उन्होंने फैक्ट किया है वो समानता नहीं है। सरकारी और प्राइवेट सेंटर में अलग अलग उनके रेट पूर्ति हो गए, वैसी बहुत सी असमानताएं हैं दोनों क्षेत्रों में और इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं भी दिख रही हैं। ये चीज डॉक्टरों को आंदोलित करने में मजबूर करनी है। ये चीज यूनिवर्सली अगर लागू की जाएगी और डॉक्टरों को साथ में शामिल करके साथ में इसको किया जाए तो मेरे ख्याल से उम्मीद करनी है। मुद्दे बहुत उम्मीद थी लेकिन मुद्दों में बात नहीं हो रही, सिर्फ सिटी में बात हो रही है। को लगातार जो पिछले चार पांच दिन का जो समय रहा दोनों पार्टियों ने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया, अगर इस स्थिति पे एक जगह ठीक है सिटी में जो सारी चीजें रही कई क्षण हुआ क्या हुआ क्या स्थिति रही, लेकिन मुद्दे क्यों आते मुद्दों में क्यों नहीं बात? देखिए ये सवाल तो मुझको लगता है कि विपक्ष से पूछना चाहिए, क्योंकि पिछले चार पांच दिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरा घटनाक्रम पूरे प्रदेश के सामने है। इसने सीधी सीधी की चर्चा की, इसने जीत आगे मैं समझ रहा हूँ मुद्दों की बहुत बात है, रोजगार की बात देखिए, स्वास्थ्य की बात देखिए जो मौजूदा स्थिति है, लेकिन आप सीधी सीधी करते हुए एकदम स्पष्ट है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने अब सीबीआई की चार स्टेट रिपोर्ट में फाइल होने के बाद एकदम स्थिति स्पष्ट हो गई है। सीडी बनी भाजपा के मंत्री की, सीडी बनाई भाजपा के नेता ने, पहली एफआईआर कराई भाजपा के नेता ने, अब इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट अगर कोई कहता है तो मैं इसे नहीं मानता और जनता जान चुकी है कि जो लोग न्यायालय को नकार रहे हैं। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं कहा, न्यायालय को मैं नहीं नकार रहा हूँ, कैलाश मुड़ा का भाजपा के नेता क्या आप इस बात पर बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन अब सीडी से कांग्रेस मुद्दों पर कब आएगी? मुद्दों के लिए कांग्रेस तो मुद्दों पर ही है, ये 15 साल से छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास नहीं कर पाए तो अब अंत समय में सीबीआई का उपयोग कर सीधी सीधी करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की आगे भटक गए मुद्दों। नहीं हम तो बिल्कुल भी नहीं भटके, हम तो कह रहे हैं आज भी हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया, अन्याय हुआ उनके साथ। आप शिक्षा की बात कीजिए इनसे, आप इनसे स्वास्थ्य की बात कीजिए, युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, ये किसी भी विभाग में किसी भी क्षेत्र में ये विकास पूर्ण रूप से कर नहीं पाए हैं, सफल नहीं है, ये जनता की उम्मीदों पर उतर नहीं पाए हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज देखिए आज लगभग 50 लाख युवा बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उस पर ये बात नहीं करेंगे, रोजगार में बात करेंगे जी, शिक्षा में बात करते हैं, शिक्षा पर हम बात करते हैं। आप देखिए जाकर 350 स्कूल, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, बस्तर में बंद पड़े हुए। आप शिक्षा की बात करते हैं फिर आप बोलते हैं कि आप उच्च शिक्षा लीजिए और पकौड़े चलिए, फिर आप बात करते हैं कि विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री इतनी बंद रही है, इनका कहीं भी कमांड नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह पेशे से खुद डॉक्टर, डॉक्टर संगीता मैं अपने शिक्षा को बहुत शिक्षा की नब्ज को वो समझती है,
अगर शिक्षा की बात की जाए तो लाइवलीहुड कॉलेज जो आया और पूरे देश में नदी दी थी, शिक्षा में और क्या करने की जरूरत है? और शिक्षा पर किस तरह राजनीतिक पार्टी को कुछ नहीं, शिक्षा के बाद सबसे जरूरी रोजगार है, क्योंकि आज बच्चे जितने पढ़े लिखे हैं, बी कर लिए हैं, एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हैं और जिसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चों को 2-3 हजार की नौकरी मिल रही है जो सेटिस्फाई नहीं है बच्चे के लिए। पिछले दिनों एक अधिकारी ने कहा था कि जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वर्किंग क्लास के बच्चे का आईक्यू लेवल 5वीं क्लास के बराबर है, मतलब आप इस पर किस तरह से आगे काम करने की जरूरत है? ये जनरल प्रमोशन के कारण, जो पहली क्लास से आखिरी तक जनरल प्रमोशन दिया गया, जिसके कारण बच्चों को आज हिंदी लिखना भी नहीं आ रहा है, वो लिख नहीं पा रहे, अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, तो ये जो रोका गया जनरल प्रमोशन, इसमें जो सर्वे हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और इसको रोक दिया गया है और अब एग्जाम लेके उनकी पढ़ाई आगे की जा रही है। मुझे तो बहुत है, बच्चों के भविष्य के सामने अगर इस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि आप लोग ही समाज का निर्माण कर रहे हैं, राजनीतिक के दलों के कर्ता धर्ता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, अगर आप ही बटक जाओगे तो फिर कैसे भविष्य को पता जाएगा? बिल्कुल, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हमने अभी खंडन क्या करते हो, हम बता रहे हैं, हमने जन संवाद घोषणा पत्र जारी किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हर गाँव हर ब्लॉक पर पहुंचकर जनता की क्या कमी है, वो क्या चाहते हैं आगामी सरकार से, उस पर बात करके घोषणा पत्र बना रहे हैं। और हम उस घोषणा पत्र में सिर्फ जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम उसमें आधार बता रहे हैं। शिक्षा की बात करिए, शिक्षा के प्राप्ति क्या है आपकी नजर में, क्या आपने रखा है? हमारी शिक्षा में जो आज ये कहते हैं, आज जो स्थिति है, एमबीए किया हुआ युवा आज चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो स्थिति हमने की है। हम उमेश जी, अभी टीके तो हॉस्पिटल में भी जब छुट्टी मिली तो वहाँ एमबीए पास आउट बच्चे पहुंचे, लेकिन उसमें भी एमबीए पास आउट, ये जो स्थिति है इसमें तो काफी कंप्यूटर ठीक है। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं और युवा आगे आकर के शिक्षा को बढ़ाने में शिक्षा बढ़ोड़ा दल है, देखिए मैंने आपको नहीं रोका था, अब आपके बीच में निरक्षण करिए और आपसे सीखने की आवश्यकता है कि इन्होंने 125 विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अंदर खोल देते, राजधानी के अंदर एक एक कमरे थे और युवाओं के भविष्य के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ करने का काम, उनसे समझने की और सीखने की हमें आवश्यकता नहीं है। लगातार इस प्रदेश का युवा देख रहा है, इस प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से युवाओं के लिए इस प्रदेश के अंदर में कार्य हुए हैं। चाहे हम कॉलेज की बात करें जिसकी कल्पना किसी ने की थी, आज पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिले में लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से युवाओं के स्किल को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जैसे सुदूर नक्सल क्षेत्र के युवा आज दिल्ली के अंदर में जा करके अपनी योग्यता को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और IAS IPS के एग्जाम के लिए अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण शिक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश में और कोई नहीं हो सकता। और रही बात कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ इस देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कौशल विकास को एक कानून के रूप में स्थापित करने का काम किया है। आज यहाँ के युवाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार को बोल सकते हैं कि हमें स्किल किया जाए, हमें प्रशिक्षित किया जाए, इसे कानूनी रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप केवल सवाल उठाना जानते हैं विपक्ष के लोग और जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये सीधी सीधी खेलने के लिए, ठीक है विपक्ष है कुछ और था, लेकिन अगर एक के नजरिए देखा जाए जो ना विपक्ष से है ना सत्ता से, ठीक है समझ, जो तमाम यहाँ पर रोजगार की बात कही जा रही है, जमीनी हकीकत आप भी जानते हैं, ठीक है लाइवलीहुड कॉलेज एक नजीर को बना, लाइवलीहुड कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वनस्पत इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत तो अभी भी है, बहुत बड़ी संभावना है। देखिए भाई एक हम शिक्षक की बात करते हैं लेकिन शिक्षक के ऊपर भी एक अपग्रेडिंग होता है, हमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर सभी जगह खोलना चाहिए, अगर बच्चे को हमने शिक्षा दिया तो उसके बाद एक हमारे पास स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो जहाँ पे एक स्किल्ड टीचर्स वहाँ पे आए, फैकल्टीज हमारे वहाँ पे ऐसे आए ताकि एक एमबीए वाला जब वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, वो सोचता है मैं एमबीए कर लिया तो मुझे जॉब मिल जाएगा, वो सब जगह भटकता रहता है लेकिन उसका स्किल जो है वो डेवलप नहीं होता, उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए,
तो वो स्किल डेवलपमेंट पे काम प्रचार करेगी और फैकल्टीज को बाहर को तो लेके आए और कोशिश करें उस पर हम शिक्षा दें। उसके बाद जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहीं भी जाए एक सेमिनार करें, ओपन फोरम में रखें और वहां पे उनसे बोले कि आपके मुद्दे क्या है, या एग्जिस्टिंग सरकार है उसको सुझाव दें, जो सरकार आने वाली है उस सरकार को सुझाव दें कि अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या ये हमारी मांगें पूरी होगी, क्या हमको रोजगार मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ में 104 एजेंसी बंद पड़ी है, 80 यूनिट है, क्या वो चालू हो सकेगा, क्या वहां पर 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजें दे इसके सरकार एक बोर्ड कमेटी बनाए, एक निगरानी समिति करे, वो बोर्ड कमेटी उद्योग में जाए, उनके ओनर से बात करें कि इंडस्ट्रीज क्यों बंद हुई है, या सरकार की कमी से बंद हुई है, या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट ने बंद किया हुआ है जो आपके पीछे गुंडा तत्व लगाए हुए तो भैसे बंद किए। ये चीजों पर हमें जाना पड़ेगा, बहुत ही डीपली जाएंगे राजनीति तब जाके हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का विकास होगा, हर ठीक है विकास होगा। लेकिन मैं कि आपसे यक्ष प्रश्न है मेरा डॉक्टर हसमुख साहब से, एक तरफ एमबीए के बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, एक तरफ आपके इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मेडिकल सेक्टर में ये कमी क्यों है, डॉक्टर क्यों नहीं निकल पा रहे, क्यों इतना गैप क्यों है। मतलब अगर आप देखिए मेडिकल सेक्टर में भी लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल में नौकरी कमी हो गई है, दूसरी तरफ इंजीनियर बहुत लोग उनको नौकरी नहीं मिल रही, दूसरी तरफ इंजीनियर बहुत लोग हो गए उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टरी जो एक प्रोफेशन है पैसे के रूप में लिया गया, डॉक्टर स्वास्थ्य की जो रक्षा करता है बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अंग है समाज का, स्वास्थ्य में शरीर स्वस्थ होगा जब भी समाज स्वस्थ होगा हमारा देश स्वस्थ होगा। और डॉक्टर जो है वो बड़े ही मेहनत करके बनते हैं, उनकी पढ़ाई में एंट्रेंस एग्जाम जो नींद के रूप में दी जाती है वो एग्जाम में हम चाहते हैं कि उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति सेलेक्ट हो, बच्चे सेलेक्ट हो। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर भी, इंजीनियरिंग को लेकर भी बहुत पहले मापदंड थे, लेकिन आपके सामने भी आपने बता रहा है मध्य प्रदेश का यहाँ पर भी कुछ कॉलेजों में जो कोटे के तहत में भर्ती के भी उदाहरण है, किस तरह से अनियमितता बरती जाती है, इस पर किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को सक्रिय बहुत अच्छा सवाल किया गांधी जी, लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं आपकी सहायता कर सकता। मैं ये चाहता हूं कि जो भी पार्टी की सरकार हो वो इस विषय में बहुत अच्छे से, शर्मा जी ने भी यही सवाल उठाया है और मुझे सरकार से जिस पार्टी की भी बने उससे बड़ी उम्मीद रहती है कि बच्चों में ध्यान दें, जो हमारा भविष्य है, हमारे देश का आने वाला कल है, हम उस विषय में सोचें और उसे आगे बढ़ाए, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक उमेश जी, विपक्षी पार्टी आरोप पत्र लाती है, आरोप पत्र में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन एक पत्र ऐसा ना कि जिससे विकास के मुद्दों पर भी बात हो जाए कि ठीक है आपने जो विकास के बिंदु का निर्माण दीजिए आपने किया है, नहीं कि हम उसको प्रश्न है कहा होगा कहा नहीं होगा। देखिए विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है और बीते 15 वर्षों में विपक्ष अपने एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए वो टीवी का खेल खेलने पर मजबूर है इन चुनावों के समय। रही बात विकास की तो आप लगातार बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अगर हम बात करें चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें या उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात करो, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर के स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। न सिर्फ उनकी संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि उनकी उनको मिलने वाली सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। साथ ही जो मातृ मृत्यु दर थी, जिसमें मृत्यु दर थी एक समय में बहुत अधिक हुआ करती थी, उसमें बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से उसमें कमी आई है। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए यहाँ पर ये बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हम चाहे हम बात करें IIM की, IIT की या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की या फिर एम्स की अगर हम बात करें तो तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं बीते 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को देने में सफल हुए। बीजेपी देने में सफल हुई है, कांग्रेस तो
इतने तमाम जो उपलब्धि है, इन उपलब्धियों को तो कांग्रेस से कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ पे कहीं भी कुछ अगर लुप हो उठा नहीं पाई। उनका जुमलेबाजी जो है ये बंद नहीं होती। इन्होंने अभी मुझे रोकते हुए ये कहा स्किल इंडिया कानून दिया है, आप मुझे बता दीजिए कि स्किल इंडिया के तहत कितने छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को रोजगार, उल्टा ये आउटसोर्सिंग करते हैं और 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का वाटा करते हैं। ठीक है, ये हो। दूसरी चीज शिक्षा पर इन्होंने कहा मुझे रोकते हैं। बस्तर में आप जाकर देखिए धरातल पर गांधी जी, वहां पर 300 स्कूलें बंद है, ये 300 स्कूलें बस्तर में बंद है। ये कॉलेज और शिक्षा की बात करते हैं, आप आइए स्वास्थ्य के मुद्दे पर, कोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, जो कांड पूरे इंडिया में भारत देश में कहीं नहीं हुआ है वो हमारे प्रदेश में हुआ है। गर्भाशय निकाल लिया जा रहा है महिलाओं का, आंखों के इलाज के लिए लोग जा रहे हैं और उनकी रोशनी चले जा रही है, डेंगू से 150 लोगों की मौत हो जाती है दुर्ग जिले में, और जिनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जब मुझे जाना होगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगर व्यापम जैसी स्थिति होगी, व्यापम जैसे दाखिल होगी तो डॉक्टर क्या पढ़ निकलेंगे, जो पैसे के पल पर जो स्कूल के पल पहुंचे और जो क्वालिटी है जिन बच्चों में जो फायर करके खोल सकते थे वो नहीं खोलते हैं, दूसरे लोग पहुंच गए। डॉक्टर संगीता, अगर ऐसी सिस्टम की स्थिति रही जो उनहार जो छात्र है वो नहीं पहुंच पा रहे और बैक होते हुए पहुंच पाएंगे तो नहीं कर सकती एक बेहतर समाज की कल्पना। हाँ, हमारे देश का भविष्य खतरे में रहेगा, ये बात तो है, क्योंकि जो होनहार बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको ये मिल नहीं पा रहा है और दूसरे लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जिससे मेरे को लगता है कि हमारा देश का भविष्य खतरे में आ गया है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी कि रमन सरकार ने जो किया हमारे रायपुर को जो दिया डेवलपमेंट जो किया वो बहुत अच्छा रहा और प्रत्यारोप चलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है, क्योंकि आप शिक्षा भी हैं, हाँ हाँ, आपको कहना शिक्षा में क्या होना चाहिए? देखिए एक मंच है, आप इस मंच से बोल भी सकते हैं, शायद वो बात बहुत दूर तरफ जाए, घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। आपको क्या लगता है कि शिक्षा में आप हर रोज उससे दो चार होती है, हर रोज आप देखते हैं कि किस तरह से विकास करने की जरूरत है? हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो स्कूल कॉलेज है उसमें जो अन्य गतिविधियां उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा छात्र चुनाव, हाँ चुनाव की बात, चुनाव भी है और जो भी होता है जिसमें बच्चों को बुलाया जाता है, रैली लेके जाई जाती है, दुनिया के काम टीचरों को जो दिए जाते हैं उसको बंद करके पूरा ध्यान टीचर खाली पढ़ाई पर लगाए तो मेरे ख्याल से हाँ काम, हाँ जरूरी है ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझा जाए अभी शिक्षकों की मांगे पूरी की गई और इसमें जिस तरह से आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सर जो भी मुद्दा खत्म किया टीचर को लेकर लगातार किस तरह, लेकिन कहा यह जाता कि शिक्षकों में भी जो भर्तियां पहले हुई थी वो कई उसमें जिस तरह से ट्रेंड टीचरों को लेना चाहता है वो भी नहीं आ पाए और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कई सारे पद सिर उठ खड़े हुए। देखिए गांधी जी एकदम स्पष्ट है, जब 2000 में यहाँ सरकार बनी और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई बड़े पैमाने पर, उस समय सरकार गांधी फिर चल रहा था, वापस विजय सिंह की सरकार के समय से ही था। अभी इन्होंने जो मांग पूरी की आपने कहा उसमें भी दो धड़ों पर यहाँ बटा, अभी भी सभी शिक्षा कर्मियों की मांग पूरी हो गई ऐसा नहीं है, और अभी इन्होंने आदेश जारी किया उसे लाभ मिलना, वो 8 साल का है सरकार ने रखा है, और हमारी सरकार आएगी तो शिक्षकों के लिए जो हम लाएंगे इनसे बहुत बेहतर चीजों को लाएंगे, अगर हम उस चीज का यहाँ उल्लेख करेंगे तो ये हमारी कॉपी करने में महारत हासिल है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जुलाई में कॉपी कर लेगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल निश्चित उद्देश्य के लिए पहले इनकी बात को मैं वोट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार आएगी तो शिक्षा करने के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया था और शिक्षा कर्मी जैसे कैडर का निर्माण करके उस वक्त के युवाओं के साथ छलावा करने का काम किया था, और ये बात करते 2000 में सरकार बनने की, 2000 में शिक्षा कर्मियों को जयस्तंभ चौक के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर घंटे कितने बरसाए थे, 2256 की संस्था में उन्हें कार्य करने के लिए इसकी सरकार ने मजबूत किया था, हमने तो शिक्षा कर्मियों को लगातार आगे बढ़ाया, उन्हें अवसर दिए और हर समय उनकी हर एक मांग को डॉक्टर राम
मनमोहन सिंह की सरकार ने बीते 15 वर्षों में लगातार पूरा किया है और उसी का परिणाम है कि आज शिक्षा कर्मी एक सम्मानजनक स्थिति में है और गुरुजन है हमारे, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और वो पूरे ईमानदारी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं एक बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ और अपने सम्मान को वापस पा करके प्रदेश का शिक्षा सम्मान सम्मान की बात कह रहे हैं आपने जी। ठीक है शर्मा जी, जो अक्टूबर आने वाला है युवाओं का ये चाहिए, युवाओं की नजर ये इसमें सोशल नेटवर्क का भी जमाना है, लगता है कि युवाओं का सम्मान एक सम्मानजनक स्थिति है। नहीं देखिए, युवाओं को मैंने बताया है कि जो उनके यहाँ प्रतिभा अभी भी हो, प्रतिभाओं का सरकार को या अन्य पार्टियों को ध्यान देना चाहिए और उन प्रतिभाओं को सम्मान देना चाहिए। युवाओं के दिल तक आपको जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी ये प्रतिभाएं छुपी हुई है, इस प्रतिभाओं का हम सदुपयोग करना चाहते हैं या रोजगार के रूप में, या हम आपको निगरानी की समिति में डालें या नॉन गवर्नमेंट की समिति में डालें। आपके पास बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेमिनार में गया था प्रेस मीडिया का, उसमें कई सारे रिटायर्ड कर्मचारी आए थे जो निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार बैठे हुए सरकार के लिए। बोले साहब हमारी कमेटी का गठन करिए, हम आपको रोजगार की संभावनाएं कहां है वो तलाश के लाके देंगे, हम प्रतिभाओं को निभाएंगे। कई डॉक्टर थे उसमें, कई इंजीनियर थे जिन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम लोगों का स्किल डेवलप करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएंगे, उस सब चीज देने के लिए तैयार। बट उस कमेटी को ढूंढना पड़ेगा आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में बैठे हुए। जहां तक स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप कमिटमेंट दीजिए कि हम डॉक्टर्स के लिए रूरल एरिया में पीएचडी में अच्छे भवन बनाएंगे, वहाँ डॉक्टर्स को पूरी सुविधाएं मिलेंगे, जोड़ी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए। दो अक्टूबर और महात्मा गांधी की जयंती, डॉक्टर हसमुख जी, महात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत की आत्मा गांव में रहती है, गांव के विकास को लेकर जो काम होने चाहिए, जो उन्होंने सपना देखा था लघु कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, लगता है कि वो सपना गांधी जी के जाने के बाद में जिस तरह काम होना चाहिए सेक्टर में वो काम होता दिखा, क्योंकि अभी केरल भी गए थे, वहां पे बाढ़ की स्थिति भी थी, तो आपने वहां के भी ग्रामीण क्षेत्रों को देखा बहुत सही। मुझे लग रहा है कि हम झूठ कर रहे हैं, विकास गंगा में बस दौड़े चले जा रहे हैं, गांव में बस्ती हुई आत्मा को आप सुधार नहीं देख पा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वास्थ्य में ये तो भूल रहे हैं और ये इसे बड़ा गलत है। आज की गांव की जमीन है एक रास्ते से नहीं खत्म हो चुका है, टीवी मीडिया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गौरव से विकास किया है इस मामले में, उन्होंने पहले जैसे गांव हुआ करते थे आज की गांव बड़े अलग प्रकार से हमें मिलते हैं और विकास हुआ है इस क्षेत्र में, लेकिन आत्मा जहां हम बात करेंगे वहां कुछ मिस कर रहे हैं हम, कोई ना कोई तो कमी है तो कंप्यूटर से तो नहीं जो है। देखिए आपने 2 अक्टूबर की बात की, गांधी जी की बात की, उसको ऐसा लगता है कि गांधी जी का जो स्वप्न था भारत की स्वच्छता को लेकर, उसको यदि सही मायने में आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो केंद्र बन रहा है कि भारत की जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आज आपके इस मंच के माध्यम से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छता के क्षेत्र में आपको सम्मान दिया, 4-4 पुरस्कार मुझे नहीं, प्रदेश की जनता को, प्रदेश की मंत्री को पुरस्कार मिलने वाला है। ये स्वच्छता महात्मा गांधी जी के स्वच्छता समय कमी है, अवार्ड बहुत मिलते हैं गवर्नमेंट को, काम होता है तब तो अवार्ड मिलते हैं, सब ये ठीक अवार्ड है। शिक्षा के ऊपर इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षकों का सम्मान नहीं किया, 15 साल से प्रदेश में काफी जी इस बात को नकार नहीं सकती, सम्मान नहीं दिया है, मेरी बात नहीं हो जाती है, इसका जवाब तो मैं सम्मान क्यों नहीं किया इन्होंने शिक्षा का। दूसरी चीज युवाओं के बात से जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं मैं, इस प्रदेश के युवाओं को ये योग्य मानते ही नहीं, इसलिए आउटसोर्सिंग मिल गई। डॉक्टर संगीता छोटे से शब्द में समझा जाए, शिक्षा और आउटसोर्सिंग और ये तमाम चीजें
स्थानीय स्तर पर क्या होने करने की जरूरत है? अभी जो शिक्षा कर्मियों को 8 साल में रेगुलर किया गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 93 से रेगुलर अपॉइंटमेंट बिल्कुल बंद हो गया था। तो कुल मिलाकर 93 से बंद था, वो मांग हुई शिक्षा में भी हाँ। हुआ, रोजगार के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है, जिससे लाइब्रेरी और कॉलेज की बात कही गई। हम तमाम मेहमानों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, डॉक्टर संगीता जी का, शेख जी का, उमेश जी का, डॉक्टर हसमुख और डॉक्टर शर्मा जी का। थैंक यू स्टूडियो।